तो वन पीस चैप्टर 1060 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। ये चैप्टर बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि ये चैप्टर मेनली तीन चीजों पे फोकस है, फर्स्ट स्ट्रॉइड क्रू और लूफी, देन गोरोसे और फाइनली इमोसाम। तो इस चैप्टर का टाइटल है लूफीज ड्रीम, जिसमें हमें मे भी पता चले आखिर लूफी का एग्जैक्ट गोल क्या है, उसे पायरेट किंग क्यों बनना है और उसका ड्रीम क्या है। अभी तक इस चैप्टर का कवर पेज नहीं आया है तो हम सीधे फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है लूफी रिवील्स हिज ड्रीम टू द क्रू एंड वी गेट टू सी देयर रिएक्शन। मतलब लूफी का जो भी ड्रीम है ना, उसका जो गोल है या वो जो भी अचीव करना चाहता है ना, वो फाइनली स्ट्रॉइड के सामने रिवील करता है और हमें उनके रिएक्शंस भी देखने को मिलते हैं। देन सेकंड पॉइंट है साबो कंटिन्यूज हिज कॉल विद ड्रैगन, जिसका मतलब है कि साबो अभी भी ड्रैगन के साथ बात कर रहा है। He mentions being in Lulushia kingdom and having seen a person sitting on the empty throne. मतलब साबो अभी लुलुशिया किंगडम में है और साबो यहाँ पर ये भी बताता है कि उसने empty throne पर किसी को बैठे हुए देखा है। Then next point है Emu is seen with a map that has Lulushia kingdom cross out. मतलब Emu एक map के साथ बैठा हुआ है और उस map पर Lulushia kingdom को cross करके रखा है। तो शायद से साबो ने Emu को देख लिया है और Emu को पता है कि साबो Lulushia kingdom में अभी, इसलिए वो शायद Lulushia kingdom को इरेज करने के बारे में सोच रहा होगा और शायद गोरोसे को वही ऑर्डर दे। देन नेक्स्ट पॉइंट है इन द स्काइज ऑफ लुलुशिया किंगडम डार्क क्लाउड स्टार्ट टू गैदर एंड लाइटनिंग इज स्ट्राइकिंग लेफ्ट एंड राइट। मतलब लुलुशिया किंगडम का आसमान डार्क क्लाउड से भर जाता है और बिजलियां गिरने लगती है लेफ्ट राइट सभी जगह पर। देन नेक्स्ट पॉइंट है एन ऑब्जेक्ट इज सीन फॉलिंग डाउन फ्रॉम द स्काई ऑनटू द कंट्री। मतलब आसमान से कोई ऑब्जेक्ट लुलुशिया किंगडम पर गिरता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है लुलुशिया किंगडम इज डिस्ट्रॉयड, मतलब लुलुशिया किंगडम डिस्ट्रॉय हो गया है। तो गाइज ये बहुत ही मतलब अमेजिंग चीज रिवील हुई है। मे बी ये इमु की पावर की वजह से हुआ होगा कि मतलब उसने वहां पर बैठे बैठे बस पूरे आइलैंड को तबाह कर दिया। तो भाई ये चीज देखने में बहुत मजा आएगा कि एग्जैक्टली वो हुआ कैसे, मतलब ये इमु की पावर है या उसने गोरोसे को भेजा या गोरोसे ने किसी को भेजा। लेकिन भाई पूरे आइलैंड को इतनी जल्दी तबाह कर दिया, मतलब वो पावर जो भी है ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो गाइज आपको क्या लग रहा है कमेंट्स में जरूर बताना, ये किसने किया होगा, इमु ने, गोरोसे ने या किसी और ने। देन नेक्स्ट पॉइंट है द स्ट्रॉइड मीट्स ज्वेलरी बोनी विद अ बाउंटी ऑफ 320 मिलियन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। मतलब स्ट्रॉइड्स बोनी से मिलते हैं जिसकी बाउंटी 320 मिलियन है। तो भाई पता नहीं आप बोनी स्ट्रॉइड्स को क्या बताएगी, मे बी वो कुमा या साबो के बारे में उनको कुछ इन्फो दे और शायद से ये लोग अभी साबो के पास जा रहे होंगे। तो गाइज मेरे ख्याल से फाइनल सागा की स्टार्टिंग है क्योंकि यहाँ पर मेन मेन चीजों पे फोकस किया जा रहा है, जैसे लूफी का एग्जैक्ट ड्रीम क्या हुआ, देन इमु और गोरोसे के बारे में बताया जा रहा है और साथ में रिवोल्यूशनरी आर्मी को इमु के बारे में पता चल रहा है। मतलब इन शॉर्ट लोगों को इमु के बारे में पता चल रहा है। तो गाइज आपको क्या लगता है लूफी का ड्रीम क्या होगा, इमु की पावर्स क्या होगी और गाइज आपको क्या लगता है जो नए पैसिफिस्ट सेराफिम्स है ना, क्या वो वॉरलॉर्ड से स्ट्रांग है या नहीं? अगर आपको पता नहीं है तो आपने डेफिनेटली वीडियो नहीं देखा है।